बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहीद नवाब अकबर ख़ान बुक टी की 15वीं बरसी है और सारे कारकुनों को बताया गया है कि पुरअमन तरीके से इसको मनाया जाए, इश्तियाल में कोई भी ना आए और किसी किस्म का भी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिसको एक क्वेश्चन मार्क मनाया जाए और एहतराम से मनाया जाए। उनके लिए कायद की बरसी है और बलूचिस्तान में आपके सामने है जो ये वाकया हुआ, इसको साल-साल मेरा ख्याल है सदियों में भी कोई नहीं भूलेगा। नवाब साहब, आप लोग के जो मुतालबात थे बुकटी माजरीन के बातकारी से मुतालिक और दीगर जो वो किस हद तक पूरे हुए? देखिए, पहले हमारी मुतालबात थे, आप जानते हैं बलूचिस्तान में IDPs थे और बलूचिस्तान में उनकी वापसी थी, मगर अभी मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि IDPs का इशू रिजॉल्व हो, IDPs अपने घरों को लौट जाएं, मिसिंग पर्सन का इशू वो रिजॉल्व हो और जो बाहर लोग बैठे हैं उन तमाम से भी बात की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ग्वादर में ये बात की थी और ज़ाहिर है ये टास्क मैंडेट वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे दिया है और हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के रिपोर्ट्स बना रहे हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह कौम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से खुशखबरी भी देंगे। आपको जो खसूसी टास्क दिया गया है किस हद तक रबते हुए हैं और किस हद तक पेशरफ्त हुई है, कितनी? देखिए, जहाँ तक रबतों के ताल्लुक हैं, आप जानते हैं कि पहले भी रबते माजी की हकूमतों ने भी किए, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिसकनेक्ट हो गए, तो हम उस तरह की किसी नाकामी का सामना नहीं करना चाहते और बिलखसूस वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि जो माजी में बातचीत का अमल बढ़ा और वो रुख ख़त्म हो गया, तो हम चाहते हैं कि माजी की गलतियों को देखते हुए और उससे सीखते हुए हम उस चीज़ को दोबारा ना दोहराएं। तो इस वजह से बातचीत के अमल को बढ़ाने से पहले हम ऑन ग्राउंड यहाँ एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसको हम फ़िलहाल नहीं बता सकते, मगर हम ये चाहते हैं कि इन्वायरमेंट फ़िज़ा को हम पॉजिटिव बनाएँ कि जहाँ हमारे बातचीत अमल जो है बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके और हमें किसी नाकामी का सामना ना करना पड़े। सर, आप क्या जी आप क्या समझते हैं किस कितने अरसे ये प्रोसेस चलेगा? देखिए, ये कोई साल-साल वाला प्रोसेस नहीं है, इंशाल्लाह इस सर्दियों तक हम पर उम्मीद हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पे ख़िताब करेंगे और कौम को खुशखबरी देंगे और इस अमल को आगे बढ़ाएँगे।